रहा था, अभी थोड़े घर बड़े दिख रहे हैं। तो हम आ चुके हैं जयपुर के जल महल में, और इसको जल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो महल है सामने आपको दिख रहा है ये जल में है, ऐसा मेरा साथ वाले बता रहे हैं, हालांकि मजाक कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए कहते हो। चलो अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं जयपुर के जल महल को। एक बात नोटिस करी आपने, आज मौसम कितना मस्त है। हम एक्चुअली दिन में 3 बजे निकले थे, बहुत धूप थी, पर अभी जो है मौसम मस्त हो चुका है। चलो कंटिन्यू करते हैं, चलो जूम करके देखते हैं जयपुर के जल महल को। हालांकि ज़्यादा जूम हो गया, जूम आउट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे आपको रेड कलर से 3 चेतावनी लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। उससे पहले आप नज़ारे पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत शांति है, और अगर आप जयपुर विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए जल महल, बड़ा पीसफुल एरिया है। हालांकि ये क्राउडेड है, पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है, फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से कम है जी। सर तो इसको जल महल क्यों कहते हैं, कुछ इसके पीछे कुछ क्योंकि जल है, जल के बीच में महल है। अच्छा, जल है, जल के बीच में महल है, जल महल, क्या बात है सर। मतलब इससे खतरनाक डेफिनेशन तो मैंने सुनी ही नहीं है। इधर को जितना अंदर दिख रहा है उतना, जितना ऊपर दिख रहा है ना उतना अंदर है। तो सर ये इसका रीज़न है कोई कि अंदर क्यों है? अंदर क्यों है? पानी से कवर है भाई पूरा, और क्यों है? निकाल लिया जाए पानी यहाँ से तो फिर जल महल नहीं रहेगा ना, फिर महल रह जाएगा बस। अच्छा, तो फिर लोग विजिट करने नहीं आएंगे। तो जैसा कि ये दोनों बता रहे हैं कि ये महल जो है जल के बीच में, इसलिए जल महल, और जितना ऊपर ये महल है उतना ही अंदर ये पानी के महल है, ऐसा ये दोनों मेरे को बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से आज पब्लिक कम है थोड़ी, ठीक है। चलो इनसे क्वेश्चन करते हैं, चेतावनी पढ़ते हैं। झील में नाना वर्जित है, सब नहा के आए हैं। सेकंड क्या है? तारबंदी के पार ना जाए, हमारे जिराफ के लिए अलाउड है। पर तारबंदी वैसे ही हमें डर लगता है, हमारे जिराफ के लिए सब कुछ अलाउड है। मछलियों को खाद्य वस्ते डालना सख्त मना है, हमारे खुद के खाने की लाल है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं, हमारे खुद के खाने की लाल है, मछली को क्या डाले और क्या। तो अभी आपने देखा जल महल, अब सामने कबूतर बहुत है और मेरा मन कर रहा है उनको उड़ाने का। जतिन सर आप जाओगे उड़ाने? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आप जाओगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये आपने जल महल देखा, अभी कबूतर उड़ा के अपन चलते हैं आगे। हाँ तो अब फील आएगा कि व्लॉग बना रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है खोले के पाडा जी। हाँ तो जतिन सर मज़ा आ रहा है बराबर आपको? जैसा कि आप देख सकते हैं ये जतिन है जो कि टंकी और टैंक की सफाई की कांटेक्ट लेते हैं, इनसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। अभी इन्हें पता नहीं कि इनके साथ स्कैम हुआ है और अभी अनजान है, तो टंकी और टैंक की सफाई के लिए थोड़ा कंट्रोल रखें, अभी बता दिया जाएगा। जतिन हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हुआ आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक, जब से आप बैठे तब से। अब देखे कैमरा की तरफ, कैसा लग रहा है आपको? कर दूंगा मैं 250 रुपये लूंगा, कर दूंगा। 150 रुपये की बात थी ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं 150 रुपये लेगा। हाँ 150 रुपये लेगा, ठीक है। तो ये मेन एंट्री गेट है खोले के हनुमान जी का, और खोले की बालाजी कुछ भी कहना है एक ही बात है। चलो प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। नो मास्क नो एंट्री, टंकी का तो वहाँ लगा ही दिया उन्होंने, ठीक है तो मास्क लगा लीजिए और क्या। तो हमने जस्ट एंट्री करी है मंदिर में, खोले के बालाजी मंदिर में, और काफ़ी विशाल मंदिर है ये, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल बने हुए हैं इतनी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी अभी, और फिलहाल लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, वरना यहाँ पे प्री बुकिंग होती है। अगर फोटोग्राफी अवेलेबल हुई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा, अंदर से दर्शन करवाऊँगा, और अगर नहीं हुई तो नहीं। भैया इस तरह का आराम चल रहा है, बहुत बढ़िया वाला है ये, अच्छा लेवल का, इतना सही सीन आ रहा है। ये हमारे दो ब्लॉगर हैं, वैसे अभी हेलमेट का काम दिया हुआ है इन्हें, हेलमेट पकड़ने का मैंने। चलो देखते हैं, अगर फोटोग्राफी अवेलेबल हुई तो आपका ज़रूर मैं दर्शन कराने वाला हूँ यहाँ पे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफी अवेलेबल है यहाँ पे और मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ये है खोले के बालाजी, इनको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, जब भीड़ होती है यहाँ पर तब अवेलेबल नहीं होती। अभी मैंने पंडित जी से बात करके आपको मंदिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो हम आगे भी देखते हैं, आगे वहाँ पर शिव शंकर भगवान है, उधर भी देख लेते हैं हम। तो चलो महादेव के दर्शन करते हैं, उससे पहले यहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रही है सीनरीज, इनको देख लेते हैं। ये बड़ी प्यारी सीनरीज दिख रही है मेरे को, ठीक है, सब महादेव की है, शिव जी की है। और ये सेम अपने हिंगलाज के मैंने एंट्री गेट पर भी थी, ठीक है, हिंगलाज के ब्लॉग में। चलो दर्शन कीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मंदिर के बाहर निकास द्वार, ठीक है, अभी भीड़ होती तो आने और जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता अंदर दर्शन करने वापस जाने में, तो अभी है नहीं, तो अपने को फ़ायदा है कि अपन ने जल्दी दर्शन कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, यहाँ से सीन बहुत प्यारा आ रहा है, देखिए आप देखिए कितना सीन सही आ रहा है यहाँ से, प्रमोशन लाइक जगह है। क्यों जतिन सर? नहीं मेरे को सब जानते हैं ना, चैनल ही मेरा है एक्चुअली। अच्छा। जी हमारा प्रमोशन करो सर, आप ही का हो रहा है ना सर, कैमरे के आगे आप ही हो। पानी की बोतल क्या चाहिए? ये ऐसा आदमी है कि एक पानी की बोतल लेता है तो दूसरी बार दूसरी बोतल लेनी पड़ती है क्योंकि दूसरे को तो प्यासा लग जाता है। अकेले की एक और बोतल लेते, एक बोतल और दे देना भैया। देखना अभी जिराफ, सॉरी जिराफ तो साइड में, अरे कहाँ गया? अच्छा एक माला ऊपर है, देखो आप देख सकते हैं ये एग्जिट सीन है खोले के बालाजी का, ठीक है। बाहर से आपको इस तरह से व्यू दिख रहा है और बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और इस मामले में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, ठीक है। तो अभी हम हैं खोले के हनुमान जी, और अभी जहाँ जाएंगे वो जतिन आपको बताएंगे। तो जतिन सर अपन कहाँ जाने वाले अभी? और यहाँ से पहले जलमहल, जलमहल से नारगढ़, नारगढ़ से आमेर, आमेर के बाद स्टैग कैफे, स्टैग कैफे के बाद में आयुष का घर का एड्रेस बता। आयुष का घर का एड्रेस इसमें नहीं बताएंगे सर, नहीं तो वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है ना, लड़कियाँ जमा हो जाएंगी ना घर के बाद। बोलता सिर्फ सिंगल लोगों की ये आदत है, कैमरा देखा नहीं, लड़कियों की बातें शुरू। सिंगल है तो क्या करें, मर जाए। सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, अब वहाँ लिरिक्स कंटिन्यू मैं कर नहीं सकता क्योंकि संस्कारी लोग हैं, वरना आपको अच्छी गाली देता मैं। चले सर, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है नाहरगढ़, ठीक है, और हम जाने वाले हैं नाहरगढ़ के रास्ते होते हुए चरण मंदिर। तो इंतजार कीजिए, अपन चलने वाले हैं चरण मंदिर, और नाहरगढ़ से मैं ऊपर जाके आपको सीन दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही मस्त है। तो हम यहाँ पे नारगढ़ के रास्ते से होते हुए आधे रास्ता आ चुके हैं, और हमें यहाँ पे अच्छा सा सीन दिखा है इसलिए हम रुक चुके हैं। और आज मौसम भी बड़ा हसीन है, बादल मस्त हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ यहाँ का सीन। ये हमारा आयुष सर हैं और जतिन सर। सर अभी कितना और ऊपर बाकी है? जितना आए उससे 3/4 और है। तो दर्शकों को नहीं पता ना आप कितना है? ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर। ओके, तो अभी 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है। और ये पल्सर वाले भैया हैं हमारे, और इनका आईपैड आज हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉग के लिए, दिखा सकते हैं आपको और ऊपर से अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ होते तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता क्योंकि ह्यूमन आई इज़ बेटर देन ए कैमरा ऑफ मेगा पिक्सल। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। 2.5 किलोमीटर, ओके 2.5 किलोमीटर लेफ्ट, चलिए शुरू करते हैं राइड। ये देखिए अपन जल महल देख के आए थे, और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। अपन लगभग पूरा ऊपर पहुँच चुके हैं जतिन सर? पूरा पूरा पहुँच चुके? नहीं पहुँचा, काफ़ी बाकी है भाई। अच्छा काफ़ी बाकी है। तो सर मैंने सुना आप यहाँ पे रेस लगा सकते थे। रेस नहीं लगा सकते थे, मैं नीचे से और ऊपर तक टॉप तक 1 रन में आया था। 1 रन में आ गए थे आप, काफ़ी बड़ी बात है सर।
सर आयुष सर अपनी हाइट का राज बता दीजिए, बॉडी का तो जतिन सर बता ही देंगे। हाइट का राज यार जेनेटिक्स जीन। अच्छा जीन सर, नहीं कॉम्प्लेन का एड दे देंगे आप तो जरूर सक्सेस जाएगा, पता है आपको। एक बार ट्राई कीजिए, कॉम्प्लेन का एड दीजिए, जरूर सक्सेस जाओगे। ट्राई करेंगे। बारिश आ गई यार। हाँ ये बारिश आ गई। अपने पास पॉलिथिन नहीं है, अपने फोन है ना, एटलीस्ट बैग तो है। बैग वाटर प्रूफ है क्या? नहीं। थैंक यू। चलो कंटिन्यू करते हैं, अपन चलते हैं चरण मंदिर। ओके तो मैं आ चुका हूँ श्री चरण मंदिर, और ये नारगढ़ के रास्ते पड़ता है, ऊपर नारगढ़ पहाड़ी पे है जयपुर में। तो मैं विजिट कर रहा हूँ इसको, और अंदर जतिन सर और आयुष पहल पहले ही पहुँच चुके हैं। काफ़ी प्राचीन दिखता है ये। क्यों जतिन सर? पीछे से? हाँ इधर से ना। हम मंदिर की बैक साइड पर हैं, और मंदिर के बैक साइड से एंट्री है यहाँ पे आगे ऊपर जाने की। ये बैक साइड है मंदिर का, चरण मंदिर का, और हम ऊपर जा रहे हैं बैक साइड से होते हुए। आप यहाँ से सीन देख सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अच्छे से। देखिए ये बैक साइड है, और बैक साइड पे यहाँ पे स्टेयर्स है, इनसे थ्रू आपको ऊपर चलना है, और बहुत सही सही सीन आएंगे आपको यहाँ से। देखिए ओहो हो, यहाँ तो मैं गिरा तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। एक दिन ये सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊँ, किसी अनजान देश के अनजान शहर में, किसी अनजान नाम से कहीं जिंदगी शुरू करूँगा। तो ये इतनी स्टेयर्स चढ़ के मैं फाइनली ऊपर आया हूँ बैक साइड से मंदिर की, चरण मंदिर की, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा मंदिर। ये भी जल महल, जहाँ अपन जल महल गए थे सबसे पहला, वहाँ का ये सीन है। और जल महल से फिर अपन ने रास्ते में ब्रेक लिया था, फिर अपन ऊपर आए, और अभी फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चरण मंदिर। हाँ मैं ठीक हूँ, चरण मंदिर पे है। आप देख सकते हैं कितना ऊपर हूँ मैं, यहाँ से अगर किसी को नीचे गिराया जाए कहाँ पहुँचेगा? क्या सर? यहाँ से अगर किसी को नीचे अगर किसी को नीचे गिराया जाए तो सर वो ऊपर पहुँचेगा। बढ़िया। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, पर ना वो अपन तो ठीक है। मैं बताता हूँ ना मैं कहाँ हूँ। पिताश्री पूछ रहे कहाँ गए तू? फिर मतलब कहाँ पहुँचा बता के तो आया हूँ। हाँ यार कुछ पानी पिला दो यार भाई। पानी वानी नहीं है, पानी मैं पीने वाला हूँ, पानी का मत बोल। क्या कह रहा? पानी खत्म। पानी खत्म है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं टूर पे आया तो, पर अभी ऐसी हालत हो रही है कि कब वापस घर जाएंगे। क्यों जाते हैं सर? पानी पी गया तू? हाँ दो बूंद थी। तू पानी पी गया? कैसा इंसान है यार, पीछे से फायदा उठाता है, पूरा पानी पी जाता है। इसकी आईडी टेक कर दूंगा। क्यों? सस्ते ब्लॉगर की। सस्ते ब्लॉगर की। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये है सैनिकों का हॉस्टल है। ये तो मैंने फोटो में ही देखा था अभी तक। अभी तक हमने जितनी भी चढ़ाई चढ़ी थी, अब यहाँ से हम वो उतरने वाले हैं, और आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको। अभी ट्रैफिक में हम होके आए थे,
तो जितनी चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं उतनी चढ़ाई हमें उतरनी है। और जतिन सर ने पेट्रोल सेव करने के लिए अपनी बाइक बंद कर ली, क्योंकि वैसे जो पेट्रोल है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ उतरना ही है हमें। क्यों जतिन सर? और जितना भी जो 1.5 किलोमीटर कवर किया है ना, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास में, हाँ वो पूरा इतनी इसे में खत्म हो जाएगा। वो नीचे देख, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप घर वगैरह देख सकते हैं, ये सब बिल्डिंग्स है। और नीचे उतर रहे हैं हम, काफी डेथ रेस टाइप रास्ता नहीं है जतिन? ये नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे दुर्घटना नहीं है, आप भी घट सकते हैं अगर आपकी नजर हटी तो। क्यों जतिन सर? हमारा आयुष सर पीछे आ रहे हैं और अब मैं उन्हें दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं घूमा तो मैं घूम ही जाऊंगा और बुलेट के साथ घूमूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है ये उतरते हुए, चढ़ते हुए जितना मजा आया उतना ही मजा उतरने में आ रहा है। यहाँ पे बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए आयुष सर आ रहे हैं।